अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? रमजान भाई पिशावर चले गए, लोडिंग का सामान मैंने दे गए, बे तू लोडिंग करनी है ते हुन लोडिंग करके मुकम्मल करके ते लाहौर जा रहे हैं। दस तो पूछते ही ना फोन कर देंगे और पूछो भाई की किधर हो? मैं सारे होटल तो बैठा। अच्छा मैं तुम को फिर लेने आऊंगा, लाहौर नहीं जाना था। मैं तो गवर्नमेंट पता ही यकदम बने, चलो रात ही दस देंगे बोले ना बना तैयार हो गया। मैं तो होटल तो बाहर जा के आना गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का जो रात गुजरी है उसके अंदर जो है मैं एक तो सुकून से सो ही नहीं सका और अभी जाना पड़ रहा है लाहौर। वैसे मैंने पिशावर जाना था, वो मैंने रमज़ान को भिजवा दिया। खुद मैं लाहौर निकल रहा हूँ। लाहौर में कुछ काम है इस किस्म के कि आज मेरा जाना ज़रूरी था। आज के दिन यानी रश भी ज़्यादा होगा, इस वजह से जो है मुझे जाना पड़ रहा है। कुछ मैंने किचन में भी जा के काम करने हैं। भी आप कारोबार कर रहे होते हैं ना, काम आपको सारे आने चाहिए। ये नहीं होता कि आप दफ्तर के अंदर बैठे रहें और आपको समझ ही ना हो। आपको हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। आपके देखने वाले जो लड़के हैं ना, जो पकाने वाले होते हैं, वो आपको आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट ना समझें कि वो कहें जी हम तो बहुत बड़े कारीगर हैं और हमें सारा कुछ बनाना आता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि सामने पका के दिखाओ कि भाई हमें हर चीज़ आती है। यानी आपका जो कोई भी काम है आपको वो खुद हाथ से आना चाहिए। का दिन इनके साथ इन्हें सपोर्ट करूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। फिर मुल्तान में जो चल रहा है बुफे का मैंने आपको बताया स्टार्ट करना है, फिर मुल्तान वालों को आके असिस्ट करूंगा। करना सब नहीं होता है मिलजुल के, लेकिन अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बंदे का मेन होता है। बैग भी रख दिए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। इधर पहुंच गए रमजान? इधर काम से निकल रहा हूं दादी। इधर सोया तो नहीं है रास्ते में? हाँ सोना नहीं है, जगाने वाला कोई भी नहीं है। चलो खैर से पहुंचो, फिर मुझे बताना जो भी अपडेट हो। ब्लाउज चाहिए, मैं 50 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सर जी अगर थके हुए हो तो नींदर आइए तो मैं चला लाना सर, वरना भी नहर दे कोल तो साहब ना पलवा जो है ना मेरे मैं ये पट्टी बना देते तो नहर नवें दी करा सर। नाश्ता वाश्ता किया आप लोगों ने? जी सर नाश्ता किया। वापस तो नहीं बनी साहब चावल भेज देना ठीक है। मिनट मारो टाइम बिल्कुल नहीं है, फिर तुम मशवरा आपको दे रहा हूँ, रोटी कभी गैस पे मत पकाना। तंदूर
लकड़ी वाला और जो ये खाने पका रहे हो ना इनको इसी पे रहने देना, बाकी सब गैस पे ले आओ। अब आने चक्कर लाजमी लगाने, ऊंचा बोला करो, तुम्हारी आवाज आती नहीं है। ए सर्दी सजा नु दो, ते तानू सजा है सारो, पक्के ते बाग चार पी लो सर, आप ही पसीना पसीना वेख लोते हो सर। चल 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 चल, अल्लाह ताला जो है ना रिस्क दे दे, खाने की तौफीक दे दे, बहुत बड़ा रहम है ये, खुदा का बहुत बड़ा रहम है। खुदा का हर दम हर पल शुक्र अदा करता हूँ। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि होना और मुयस्सर भी हो जाना इंसान को। तो हम लोग तो सोच रहे होते हैं कि यदि बाज़ोकत हम मायूस ना उम्मीद होते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए हम खा पी रहे हैं, कोई ऐब नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है दुनिया में, जन्नत है। मैं ये अपनी मजा का दुध पीवना नसीब को नहीं, अल्लाह सोने की नाराजगी है ना सर। अल्लाह पाक हर कहन सेहत सलामती रखे, अल्लाह का लख लख शुक्र है सर। अठ नौ प्लेटा को बेड़ा दिखी है नाश्ते दबकी चीता ही हूं भी मैं हूँ रात आप गल कर सी रखी है आगे से लेते हैं। देखें कि मैं कहता हूँ अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान में हर इंसान के अल्लाह हालात ठीक करे, पाकिस्तान भी हमारा आगे जाए। मुझे बड़ी मायूसी बड़ी तकलीफ होती है, इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। मैं इंडिया का नाम इसलिए लेता हूँ कि हम लोग मुकाबले में बल्कि वो उनसे पीछे थे, हम उनसे आगे थे। हमारे यहाँ पे अभी तक ये सिस्टम समझ ही नहीं है कि हमने एक्सपोर्ट भी करना है, हमने चीज़ को बाहर भी भेजना है। हम वहाँ से गाड़ियाँ तो मंगा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट से कौन सा नफ़ा है? किसी की बनाई हुई चीज़ हम खरीद लेते हैं, इससे क्या नफ़ा होगा? हमारा पैसा उनको मिल जाता है, वो बाहर से गाड़ी भेज देते हैं, हमने गाड़ी को सर में मारना है। हमारी चीज़ बन के जो दूसरे मुल्क में जाए तो उसका फ़ायदा होगा। हम तो बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। अब मैंने जितनी बात की है ना, शबीर ने एक लफ्ज़ नहीं सुना होगा जिसको गुलाब जामुन चढ़े हुए होंगे, पर गुलाब जामुन अगर हमने खा लिए और रमज़ान ने वीडियो देख ली वो तो जो है पागल हो जाएगा। वो बोलेगा मेरे पे जुल्म किया है, केले खाया तुम लोगों ने। तो मुल्तान वाले बनी खाते पाकिस्तान वाला सर खोती रड़ी का इजाद की थी सर, ये तो बनाई ने सर खोती रड़ी। ऑल का खर्चा ना सर, कैश डीजल का खर्चा ना कैश है का खर्चा सर, सीधे कितने बने भाई दे बने ना। हां इधर इधर ही सर टाइम इधर जा रहा यार मियां चल। एक किलो गुलाब जामुन ले यार, साहब ने क्या मेहनत करके ले ला है यार, साडा यार मरीज बैठा गड्डी रुक के यार जल्दी है थोड़ी। केड़ा मरीज है हमजा यार, ऐ तो तिना दला दामन दे दे यार भाई दे ओ दे ये दा दद्दी शादी कर ली है यार गर्मी दे। चल 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 सर, बड़े औखे लाइन में आके असा थोड़े डेली के कस्टमर आते सू रेट प्राइस दिते हो। मैं सब साहब पिछले इशारे करता बैठा, मैं छोटा हाथ चाही बैठे, मैं तुम रेट कर रहे ना देख लो सारा छोड़ के मैनू पहले पा दे ये गल है कि नहीं। खुले पैसे दो, तुले पैसे दस हजार मैं हूँ सारे हाथ भरी बैठा, मैं तुले पैसे तीवे तदा मैं दो पैसे पैसे तो यार 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 उसको दे थे हो जा कपड़े अपने बेटा
बड़े डब्बे में डलवान था यार, मैं शुक्र है जी छोटे डब्बे जी पा देते ने। अगर मेरे जान निक्की रात गली जावे अरे अपने भी निक्की निक्की नहीं है यार। सलाम आगे भी तवज्जो रखा करो, गाड़ी दाजी ना हो वे ना हो रसगुल्ला ना सा जो बात है आप लोग हेलो जी ये मजे करिए बस कर सकता सात रात के खाली बैठा वादी आप और की बैठा हला हला तू भी ताला भाई निक्की रात गली जा ये और दरअसल गुल्ला था। किधर पहुंच गया रमजान? तो हम लोग जा रहे हैं रास्ते में गुलाब जामुन लिए, तेरी याद आ गई है। दस दे थानू, दस दे तू तिथे थानू, दस दे तू तिथे असा तेरे वास्ते लाख ले लाया सी उत्ते और तू तिथे है उत्ते ही दस दूध ले ले दस तू ले दे आ सी उत्ते ही मेरे पैर में जमीन थ्री आवर्स लेटर बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो। यार क्या करूं बस छुट्टी गया था। अच्छा छुट्टियां मारियां वापस आ गया। खैर जी छुट्टियां मारियां ने। हां यार थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी वजह से। और कितने पर्सन हैं? 2% आ गए। ठीक है स्टार्ट के लिए स्टार्ट के लिए बंद कर दें। कहते हैं ये वाली जो मूवी ये पैकेज जो है ना नीचे कह देते हैं बुफे क्लोज है, उन्हें कहते हैं पैक है, रात 2 तक पैक है। अब ये फ्लोर मौजूद हूँ, बुफे चल रहे सेकंड फ्लोर चल रहा है, जगह फुल है, आपको कोई जगह इधर नहीं मिल सकती, माजरत के साथ नीचे इंतजार करें। तो अभी जो है मेरा दिल कह रहा है मैं वापस चला जाऊँ रात रात ही, क्योंकि नींद तो आनी नहीं है यहाँ पे। तो सब ये क्लोज़ करवाते हैं। इसके बाद तीसरी स्लॉट भी है, तीसरी स्लॉट भी है। तीसरी स्लॉट में कह रही हैं कि बंदे जो हैं सिर्फ 60 दिनों के लिए हैं, कहते 60 लेते हैं वो बढ़ते बढ़ते 100 हो जाते हैं, 60 लेते हैं बढ़ते बढ़ते 130 हो जाते हैं, फुल हो जाता है। यही बुफे जो है मुल्तान में स्टार्ट करवाना है। हमारे पास ना लोग रश की कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, अब सारे देखें सब लोग खा रहे हैं, सारे लोग आराम से खाना खा रहे हैं, कुछ का मसला नहीं होता। बाज़ों का लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तब ये क्लोज़ करवाऊँगा, क्लोज़ करवा के या तो लाहौर रुक जाऊँगा सुबह निकलूँगा या सीधा निकल जाऊँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। 25% की ना है जी फैमिली इवेंट में डब्बे का मुझे लगता भारी है, बस 3-4 हैं कितने अपने अपने से बड़े क्या तुसी अपने से बड़े आंसर मेरा ही है अपने से ये सर हम सब तो सर ना खा सकते बहु हैं तुसी बेफिक्र हो जाओ ये तो सैडल वेखो ते जांदे कितने हैं दी ये अपने जो के ने बस है असि सवेरे खाने चलो मेरा छोड़े वो जो मोले खा लो अस्तगफुरुल्लाह डेला पा दो फिर स्पीड बहुत होनी है ऐसा गुलाब जामुन तेरा की थत्थी होए पे के पास हो है जते सारे जाने तुम बंदे तुम बेइज्जतकार कार कार कर खाने गुलाब जामुन नहीं थत्थी का सीन की है मैं दस दे खाने नहीं ये थोड़ा थत्था है ना हल्का सा यार। घर वापसी पहुंच गए हैं लाहौर, मेरा दिल तो नहीं है रुकने का बिल्कुल भी, घर वाले कोई भी नहीं है साथ, वापस जाने की भी हिम्मत नहीं है। तो बस आज का दिन यहीं पे क्लोज़ करेंगे, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।